मैं डॉक्टर राहुल शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड वेनरोलॉजिस्ट, नेति मथुरा से। मैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से डील करता हूँ। मैं आज आपको HIV एवं एड्स के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आपको बुखार है और वो बुखार नहीं जा रहा, आपको अगर लूज मोशंस हो रहे हैं, वो नहीं ठीक हो रहे हैं, आपका कफ बहुत दिन तक रुका हुआ है, कफ पे कफ आपको हो रहा है, आपका वज़न कम हो रहा है, आपको नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, आपको डिप्रेशन की शिकायत हो रही है, या आपके किसी दोस्त को भी इस तरह के सिम्टम्स हैं जिसके अंदर साइकोसिस हो रही है, पेट में दर्द है जिसके बारे में हम ये पता नहीं पड़ रहा कि वो पेट का दर्द क्यों है, इस तरह के अजीबोगरीब अगर कभी भी किसी को सिम्टम्स आते हैं और जिसका कोई कारण पता नहीं पड़ रहा और कन्वेंशनल थेरेपी से वो नहीं जाता, तो उन्हें HIV की टेस्टिंग करानी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत साल हो गए हैं जब से एपिडेमिक चल रही है HIV की, और आज तक 40 मिलियन लोग इस बीमारी का शिकार हुए हैं, उनसे उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि HIV इन्फेक्शन एड्स नहीं है। HIV इन्फेक्शन के कई चरण होते हैं। HIV वायरस का नाम है जिसकी वजह, जो कि एक इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, जिसके वजह से हमारे कुछ इम्यून सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट सेल, जिसे हम CD4 टी सेल्स कहते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स कहते हैं, मैक्रोफेजेस कहते हैं, ये तीन प्रमुख सेल हैं जो कि टारगेट होते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इवन जो CD8 सेल, जो कि ये कोशिश करते हैं कि किस तरह का अटैक हुआ है, वो भी वीक हो जाते हैं, वो भी काम करना बंद कर देते हैं। तो कुल मिला के हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इसके कई चरण होते हैं। जब HIV इन्फेक्शन स्टार्टिंग में जब होता है, तो ये ज्ञात ही नहीं होता कि उनको HIV इन्फेक्शन हुआ है। जैसे कि उसमें सिम्टम्स बड़े वेग से रहते हैं, जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, बुखार आया, सोर थ्रोट हुआ, मांसपेशियों में दर्द हुआ, है ना, वीकनेस लगी, पर उस टाइम ज्ञात नहीं होता कि HIV इन्फेक्शन है। फिर दूसरा चरण जो होता है वो काफ़ी सालों तक रहता है, जब HIV के कोई सिम्टम नहीं होते। ये फेज लेटेंट फेज कहलाती है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जांच हो जाए, क्योंकि क्या होता है, वो संक्रमण कर रहे होते हैं, उनको ज्ञात नहीं होता कि उनको HIV, और दूसरे लोगों को उनसे HIV फैलता रहता है। तीसरा चरण होता है एड्स, जो कि काफ़ी सालों के बाद होता है। एड्स ऐसी कंडीशन है जब मैंने बताया कि CD4 टी सेल जो होते हैं, जिनकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, 200 से भी कम चली जाती है, और जब वो लोग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन पकड़ने लगते हैं, उनके इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, कई तरह के वो इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोसिस्टिस, बहुत सारे तरह के निमोनिया, बहुत तरह तरह के फंगल इन्फेक्शन, मुँह के अंदर कैंडिडियासिस होना, मुँह के अंदर बार बार पानी आता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, ओरल थ्रश कहते हैं हम, पेशाब की जगह या एनल एरिया के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं, वहाँ पे उनको अल्सर्स हो जाते हैं, माउथ के अंदर उनको अल्सर्स हो जाते हैं, इस तरह के अगर उनको सिम्टम आने लगते हैं। चूँकि एड्स होने के बाद विदाउट ट्रीटमेंट इंसान सिर्फ एक साल से भी कम जी पाता है, उसकी मृत्यु एक साल के अंदर अंदर हो जाती है इन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की वजह से। बट अगर वो समय रहते पता लगाया जाए और CD4 टी सेल्स को गिरने से रोका जाए, तो काफ़ी सालों तक जी सकते हैं। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी अगर समय पर चालू कर दी जाए, तो काफ़ी सालों तक वो दूसरे लोगों की तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो HIV को पता करने के लिए क्विक टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, कोई भी इंसान उस टेस्ट को कर सकता है, और जब उसे टेस्ट दिया जाता है, तो जैसे क्विक टेस्ट में तो रिपोर्ट 30 मिनट्स के अंदर आ जाती, जो कि इवन होम बेस्ड टेस्ट भी होते हैं क्विक टेस्ट, इवन ओरल सलाइवा से वो टेस्ट किया जा सकता है, और कुछ टेस्ट जो होते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है, अगर इन केस वो पॉजिटिव है भी, तो वो लैब उसको तीन और प्रकार से टेस्ट करके ही आपको देगी, अदरवाइज वो आपको नहीं देगी। अगर वहाँ पे कहीं भी डाउट होता है, तो तीन टेस्ट जरूर करते हैं अगर पॉजिटिव है तो। उसके बाद अगर वो पॉजिटिव आ भी जाती है, तो फिर वेस्टर्न ब्लॉट नाम का टेस्ट किया जाता है, जो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट है। इनिशियली EIA ऐसे किया जाते हैं, फिर वेस्टर्न ब्लॉट किया जाता है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि HIV कैसे एक से दूसरे को फैलता है, उसका संक्रमण कैसे होता है। ये माँ से बच्चे को हो सकता है, ठीक है, ये नॉर्मली सेक्सुअल रूट से फैल सकता है, किसी भी प्रकार के सेक्स से फैल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जानना चाहिए कि असुरक्षित सेक्स से फैलता है। कॉन्डम यूज़ करने से इसकी जो सब वो है दृष्टि 80% तक संक्रमण कम कह सकते हैं। तीसरा, ये बायोफ्लूड से फैल सकता है, जैसे कि ब्लड से फैल सकता है, वेजनल सिक्रीशन से, रेक्टल सिक्रीशन से फैल सकता है, सेमिनल फ्लूड से फैल सकता है। ये सलाइवा से, थूक से, या किससे नहीं फैलता, किसी के साथ रहने से नहीं फैलता, अगर किसी की देखभाल करने से उसको गले लगाया जाए तो नहीं फैलता। तो आपको उनकी केयर हमेशा करते रहनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना जरूरी है कि ये नीडल से फैलता है, ब्लड से फैलता है,
तो अगर आप किसी डॉक्टर से इलाज करते हैं जो कि नकली डॉक्टर है, कई बार आप इनके चुंगल में फंस जाते हैं, वो एक ही नीडल से 50-100 लोगों में इंजेक्शन लगा देते हैं, उसकी वजह से काफ़ी लोगों में HIV स्पीड से फैल जाता है। तो आप जब भी अपने लिए इंजेक्शन खरीदें तो खुद की फ्रेश सिरिंज खरीदें और मेक श्योर वो असली डॉक्टर हो, नकली डॉक्टर से इलाज ना कराएं, क्योंकि खून से फैलना बहुत बुरी तरह से फैलेगा, उसका मतलब जो कन्वर्शन है, उसका जो ट्रांसमिशन है वो बहुत हाई है, सेक्सुअल रूट से भी बहुत ज़्यादा हाई ब्लड से फैलने से होता है। तो यही मैं अपनी टॉक समाप्त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सुरक्षित रहें और समय रहते अपनी जांच कराएं। जब भी आपको लगे कि बुखार ठीक नहीं हो रहा, आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही, मुंह में घाव है, आपका सर दुख रहा है, आपको साइकोलॉजिकल सिम्टम आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन हो रहा है, आपका वेट लूज हो रहा है, तो आप जरूर ये टेस्ट कराएं। थैंक यू वेरी मच।